इंफ्रा टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इंफ्रा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में प्रोफेसर एजी अय्यर, मुख्य संपादक एनर्शिया एवं मार्कनॉमी, अध्यक्ष एनर्शिया फाउंडेशन एवं रेपा उपस्थित है। नमस्ते सर। नमस्कार। देश के दिग्गज बुद्धिजीवी एवं सर्वप्रथम टेक्नो इकोनॉमिक्स के रूप में इनका अभिनंदन कर हम भारत के राष्ट्रीय चुनाव 2014 की चर्चा करते हैं। मैं पूनम मते दर्शकों का इंफ्रा टीवी की ओर से स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त तो ऐसी परिस्थिति है, देश बड़ी अजीब मोड़ पे खड़ा है। सन 2014 के जो चुनाव हैं, ये इस तरह के चुनाव हैं जो कभी भी हमारे इतिहास में नहीं हुए हैं। इस चुनाव में हमारे कई संबंधों में हमारे आज जो परिस्थिति है उसमें कई संबंधों में हम एक निष्कर्ष निकालने वाले हैं। सबसे पहला है कि हमने कई सालों से ये बात की कि हमारे देश में कई प्रकार के धर्म, जाति एवं बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। जैसे अब धर्मों से देखिए, भाषाओं से देखिए, देश पहले भाषाओं से बांटा गया, अब देश भाषाओं से ज़्यादा धर्म से बटा हुआ है, धर्मों से। लेकिन धर्मों से बांटने का इस वक्त कोई समय नहीं है। एक तरफ है कि हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत होगी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की, तो ऐसे टाइम पर राजनीति को भी उस अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहिए। इसलिए ये देश की राजनीति में बड़ा अहम समय है कि 2014 एक टिपिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट साबित होगा और सिद्ध होगा। ये केवल हमारे इस महीने अप्रैल महीने में जब हमारे चुनाव होंगे, जिसमें हमारा जो आम नागरिक जाके चुनाव में अपना योगदान देगा, इसमें समझ आएगा कि आम नागरिक एवं देश की क्या मूड है। अगर आम नागरिक इस देश को आगे ले जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने चुनाव में केवल अपने कैंडिडेट को नहीं देखना पड़ेगा। कैंडिडेट को देखने वाली बात तो एकदम ग्रास रूट वाली बात होगी, हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए, परंतु राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्रीय चुनाव में हमें एक लीडरशिप की जरूरत है, नेतृत्व की जरूरत है। क्या हम इस देश को एक साझा, सच्चा और एक गंभीर एवं पावरफुल, मतलब शक्तिशाली नेतृत्व देंगे? ये बहुत ही अहम सवाल खड़ा होने वाला है, नेतृत्व का सवाल है। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादा करके जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसमें नेतृत्व को छोड़ के बाकी सब चीजों पे बात हो रही है। और नेतृत्व इसलिए कि नेतृत्व होगा तो निष्कर्ष निकलेंगे। हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है आज के दिन, वो देखनी पड़ेगी। विडंबना यह है कि भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में उभर रहा है, उसमें हमारी अभी इतनी एक आप समझिए कि हमारी जो गलत ढंग की राजनीति हुई है उसके बावजूद मैं कहता हूं कि एकदम तीसरे स्तर की थर्ड रेट राजनीति करने के बाद भी इस देश के नागरिकों के कारण और इस देश के उद्योगपतियों, इस देश के अच्छे युवाओं के कारण और इस देश की भलमन साहत में बोलता हूँ, एकमात्र भलाई की जो सोचते हैं आम आदमी, आम जनता जो सोचती है, उनके कारण ये देश ऊपर आया और वो ऐसे कगार पे खड़ा है कि अभी भी विश्व के टॉप 10 देशों के अंदर उसकी गिनती हो रही है। इन्वेस्टमेंट और इसकी बात करें, और किसी देश में आर्थिक रूप से आप अपना योगदान देना चाहते हैं या जिसमें आना चाहते हैं, तो दुनिया भर के देश जैसे कि जर्मनी है यूरोप में, फ्रांस है, यूरोप में है वो भी, और उसके अलावा रशिया है, रशिया हमारा पुराना दोस्त है उसके, और हमारे को जो हर बार कटुता के रूप में देखता है यूएस भी। यूएस के लोग बिल्कुल, यूएस के मैं सरकार की नहीं बात करूंगा, लेकिन यूएस के लोग बाकायदा भारत देश से दोस्ती रखना चाहिए। इसमें तो मैं आपको समझ कहना चाहता हूँ कि चीन जो हमको कुछ नहीं समझता था, उसके भी लोग हमको समझते हैं कि भैया ये बड़ा जबरदस्त देश है, फ्यूचर है ये। तो जहां तक लोग और जनता और विश्व भर में भारत का एक भारत की छवि है, वो छवि आज भी लोगों के कारण बनी हुई है, सरकारों के कारण, लेकिन एक दूसरी तरफ से है, दूसरी तरफ से सरकारी, और ऐसा मैं समझता हूँ कि विश्व में जो मैं प्रश्न बाद में आपके साथ आऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको टच करना चाहूंगा कि विश्व भर में जो हमारा एक स्तर था, एक भारत देश का जो स्तर था, एक भारत के हम राजनीतिक रूप में बहुत पावरफुल थे। अगर हम कुछ बोलते थे लोग सुनते थे, अब हमें कोई नहीं इतनी तरह सुन रहा। इसलिए नहीं कि वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद ही बोल नहीं रहे हैं, हमने एक तरह से अपने मुंह में पट्टी लगा ली है और आंखों में भी पट्टी लगा ली है। जो भी हो हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब विश्व भर में बमिया के जो बुद्धा स्टैचू उड़ाए जा रहे थे, तब भारत देश कुछ बोला ही नहीं, अमेरिका तो बिल्कुल नहीं बोला। जो आज ये तालिबान और उन लोगों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रहे हैं, वही लोग चुप बैठे थे उस समय पड़ी नहीं थी उस
गलती कारण वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी उड़ा दिया उन्हीं लोगों ने, फिर अमेरिका ने जाके उसामा बिन लादेन को समाप्त किया। लेकिन वो किस तरह समाप्त किया गया? अपनी मर्जी से, अपने दम से, अपने बल से, शक्ति का प्रयोग करके किया गया। सभी देशों को साथ में लेके नहीं किया गया। ऐसे कई सारी चीजें जो मैं बता सकता हूँ आज, लेकिन लोग बोलेंगे कि आप ये 2014 क्यों चुनाव कर रहे हैं, इसमें भारत देश में इन मुद्दों की क्यों चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो राजनीतिक वजूद है वो केवल अपने अंतर नहीं है, मतलब अंदर नहीं है, केवल देश के अंदर नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी हमारा राजनीतिक स्वरूप रहता है। जैसे कि भारत देश को मानना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर कश्मीर को हमारे मैप से निकाल दिया जाए और दूसरे ऐसे काम कर रहे हैं तो ये हमारे वजूद को झटका है, तो इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए बुरी तरह से। अगर चीन हमको बोलता है अरुणाचल हमारा है, हम बोलेंगे चीन के दांत खट्टे कर देंगे। ये मैसेज कैसे जाएगा? डिप्लोमेटिक से नहीं जाएगा, ये एक शक्तिशाली लीडरशिप से बोला जाएगा कि अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग रहेगा और जो देश इसकी तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। ये कह सकते हैं? बोले नहीं, ये राजनीतिक रूप से नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हम उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। हम तो जिसने उस पर नजर डाली उसकी आंखें फोड़ देंगे। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, किसी चीन का कोई उसमें संबंध नहीं आता, और चीनी कोई उसमें घुसे बिना संबंध के तो सरे बाजार हमारे आर्मी के लोग गोली मार देंगे उसको। ये बात मैसेज नहीं भेज रहे हैं, तो हम बड़ी वीक राजनीति कर रहे हैं। यही बात मैं इस पूरे सवाल का एक जवाब देना चाहता हूं कि देश का केवल आंतरिक या अंदरूनी वजूद नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वजूद भी राष्ट्र का, भारत देश का छुप चुका है। एक वीक राष्ट्र के रूप में उभर गया है, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में या राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं है। तो जब शक्तिशाली आप बाहर अंदर दोनों रूप से आप शक्तिशाली रहेंगे। देखिए, इसलिए विश्व भर के टेररिस्ट आपको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, आपके यहाँ बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके लोगों को बहराते फुसलाते हैं, धर्म के नाम पे उनके साथ खेल खेलते हैं। ये सारे खेल तब बंद होंगे जब भारत एक तरह से बहुत पावरफुल देश के रूप में उभरेगा, अंदर से भी बाहर से भी। उसकी आंतरिक और बोलते ना आउटसाइड रूप, मतलब बाहर का रूप स्वरूप जो है, मतलब समाज स्वरूप और आंतरिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, दोगुला नहीं होना चाहिए। हमें दोगुलापन बहुत डेंजरस है कि हम एक बात अंदर कर रहे हैं, एक बात बाहर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुखौटा नहीं पहनना है, हमको एक ही रूप में आना है। ये भले कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तब तक देश, एक भारत देश कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनने के लिए इस वक्त एक जबरदस्त नेतृत्व की आवश्यकता है। हम इस कदर पे खड़े हैं। प्रोफेसर एजीआर सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या सेक्युलरिज्म इस चुनाव का अहम मुद्दा है या फिर रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी इत्यादि? आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए क्या है कि अपना युवा इस वक्त तकरीबन आप ऐसा कहें कि जो लोग 30 और 32 साल के नीचे की उम्र के हैं वही हमारी पॉपुलेशन, तकरीबन 40% की हमारी पॉपुलेशन है। 40% लोग इस उम्र के कैटेगरी में है, और अगर हम थोड़ा इसको और बढ़ाएं कि हम 45 साल के नीचे, या फिर हम बोले 50, हम देश को यंग ही मानते हैं, 48-50, चलो हम 48 का या 50 का आंकड़ा लेते हैं, 50 साल के नीचे जो है, तो इस वक्त देश 65% से 70% आदमी 50 के नीचे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी आपकी युवा शक्ति एवं देश की जो नेतृत्व की शक्ति है, जो क्योंकि जो 50 साल के अंदर अंदर है वही नेतृत्व देंगे फ्यूचर का, तो नेतृत्व की शक्ति एवं युवा की शक्ति ये बड़ी भयंकर रूप से उभर रही है इस वक्त, और ऐसे उभरी है कि किसी भी विश्व के देश में इस प्रकार का समीकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि अब आपने बात सेक्युलरिज्म की करी, तो इसमें सेक्युलरिज्म की बात तो कहने की क्या जरूरत है। अब तो मैंने आपको बताया कि समीकरण युवा एवं लीडरशिप जो है, फ्यूचर की लीडरशिप, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो कहते हैं कि छोटे व्यापारी हो, या फिर वो आम आदमी हो, या क्या बोलते हैं आपके कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन हो, खिलाड़ी हो, हर जगह जो नेतृत्व आएगी, हर प्रकार की नेतृत्व होगी इसमें। ये सारी नेतृत्व इसी एज ग्रुप के अंदर 50 ईयर्स के नीचे एक बहुत बड़ा 70% देश अपनी बात कह रहा है, और इसमें इसलिए कोई धर्म, कोई जात, कोई और कोई व्यवस्था इसमें नहीं आ सकती है। अगर कोई और व्यवस्था इसमें काम करेगी तो ये उसका उसमें संबंध या उसका पार्ट होके काम करेगी, उससे भिन्न होके काम नहीं करेगी। क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो आपने दूसरी बात कही, क्या आज मुद्दे क्या है, आज रोजगार के मुद्दे हैं।
इसमें दलित को भी रोजगार चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, क्रिश्चियन को चाहिए, ईसाई को चाहिए, बौद्ध को चाहिए, इसमें कोई इसमें ये वो अलग बात नहीं होती है। वही मुद्दा उनके लिए भी वो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली, पानी, सड़क सबके लिए मुद्दा है। इसमें धर्म की क्या, अब मुस्लिम अलग पानी पिएगा, हिंदू अलग पानी पिएगा, क्या इस देश में बहुत अलग पानी पिएंगे? नहीं, उनको तो वही पानी चाहिए, उन्हीं स्रोतों से चाहिए। हिमालय क्या सबका है? सबका है, उसमें कोई धर्म नहीं देखेगा? तो उसमें से जो ग्लेशियर मेल्ट होके आएंगे वो हमारे को भी देखेंगे, उससे थोड़ा और चौड़ा देखेंगे तो भूटान में वही पानी जाएगा। तो ये बड़ा बहुत बड़ा कारगर सवाल है। देश को इन छोटे छोटे मुद्दों में ना अपने आप को जटिल कर और फंसा, अपने आप को ना फंसा कर और ऐसे नेताओं को ना सुनकर, उनको अनसुना करके देश को एक प्रकार से इंडिया एंड इंडिया फर्स्ट जो है, मैं तो आज भी मानूंगा कि मोदी साहब का जो इंडिया फर्स्ट है वही अगर रियल है, उसी को लेकर चलो, तोड़ के मत चलो, जोड़ के चलो, देश को एक ही प्रकार से देखो। और इन सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं जरूर होंगी, उनका हल निकालेंगे, लेकिन एक राजनीतिक और सामाजिक एवं अर्थव्यवस्था के रूप में अगर हल चाहिए, बड़ा हल चाहिए, तो एक देश का हल निकालना पड़ेगा। किसी एक आदमी का हल निकाल के कोई संबंध नहीं है उसमें। हर एक पर्सन का, एक किसी एक जाति का, एक आदमी का, एक परिस्थिति का हल निकालना नहीं है इसमें। हल सबका निकालना है। जो आज मैं बोलता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सोच देखी थी, उन्होंने दलितों को ऊपर लाने की जो सोच देखी थी, बहुत बड़ी सोच थी। उस सोच में उनको चाहिए था कि ऊपर के जो ऊपर जाति के जो ब्राह्मण लोग हैं, बाकी जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इनको ये डिस्क्रिमिनेशन इनका हक नहीं था, बहुत गलत था ये। और ये जो काम किया इतना गलत था, उसको समाप्त करना था। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं परिस्थिति क्रिएट की कि अब ये उल्टा हो जाए, ये भी तो गलत बात है। ये किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है। तो अगर राजनीतिक भेदभाव करोगे तो गलत करोगे। देश के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होगा, हर एक को समान अवसर मिलेगा। और अगर कोई पिछड़ा है, कोई तकलीफ में है, उसको जो भी आर्थिक मदद देनी है और सामाजिक मदद देनी है, दोनों देनी पड़ेगी आपको। आर्थिक सामाजिक मदद देनी पड़ेगी। और लोगों को बोलना पड़ेगा जो ये आर्थिक और सामाजिक स्वरूप को बिगाड़ने का चेष्टा कर रहे हैं, कोई भी ऊंची जाति का अपने को बोल रहा है, उसको बिल्कुल आप पनिश करिए, पकड़िए, अंदर डालिए। अब वो जमाना नहीं रहा, कोई ब्राह्मण नहीं रहा, कोई नीचे जाति का नहीं रहा, अब सब एक हो गए हैं। और कोई बोलेगा मैं ठाकुर हूँ, ये हूँ, जहां भी चल रहा है इसको खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। यू आप केवल इंडियन है, भारतीय कुछ नहीं है, आपकी आपका सारा स्वरूप एक ही स्वरूप में आ जाता है, भारतीय है, इंडियन, यही राष्ट्रवाद है आपका, आप कुछ नहीं है। हर एक आदमी, छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, कितने बड़ा हो, वो एक ही है, उनकी समान हक समान है, राजा रंग है ही नहीं है। अगर समान हक नहीं देते हैं तो आप भारत के संविधान के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जो अम्बेडकर साहब की विजन थी, या जो उस समय के जो निर्माण करता थे, महात्मा गांधी जैसे लोग जिन्होंने निर्माण किया देश के, गाँव में उन्होंने शक्ति देखी। आज तो गाँव में शक्ति आपने खत्म कर दिया, आपने गाँव की शक्ति, ये हमें गाँव की शक्ति खत्म नहीं करनी है, गाँव की शक्ति ही को ही पैदा करना है। वहीं हमको एजुकेशन लाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, वहीं इकोनॉमिक एजेंडा लाना है। ये लोग गांव शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये आज तक चल रहा है, इसको समाप्त करना है। लोग गांव में जो रहे वो बोले शहरों को, भाई हमारे यहाँ आओ, प्रेम भी है, खुशी भी है, केवल पैसे से सब कुछ नहीं होता। शहर तो केवल पैसों पले हैं और ये पैसों से गंदगी हमारी चालू हुई। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल नहीं कर पा रहे बड़े बड़े शहरों के, हम उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और हम केवल इन्हीं को अब बढ़ा रहे हैं। हम गाँव में खाली उनको बोल रहे खेती करिए, खेती तो करेंगे वो, लेकिन क्या उनकी अर्थव्यवस्था और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा है? उनको बिजली पहुंचाने के बारे में सोचा है आपने? अगर पहुंचाए फिर आप उनको बोलते फ्री बिजली देंगे, फ्री कुछ नहीं मिलता, कोई फ्री लंच नहीं है, हर चीज का पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा, कमाएंगे कैसे? तो आप कमाने का जरिया क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? आप रोजगार के जरिए क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? यही सवाल आपका जो दूसरा सवाल है, मुख्य सवाल आज देश के लिए, सबसे पहले रोजगार, क्योंकि बिजनेस नहीं, रोजगार। और रोजगार का ये मतलब नहीं कि आप ये मनरेगा वाला निकाले तो फ्रॉड होता रहे दुनिया भर में, कि आप कोई खड्डा खोद के उसी को भर रहे हैं, कोई एक आदमी खड्डा खोद रहे हैं उनको मिल रहा पैसा और जो भर रहा है उसको पैसा मिल रहा। पूछा खड्डा क्यों भरा, कोई पता नहीं, खड्डा क्यों खोदा वही पता नहीं। इस तरह के जो फ्रॉड चल रहे हैं मनरेगा में, वो पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें जानबूझ के महात्मा गांधी का नाम आगे लगा के मनरेगा को खराब करने वाली बात हो गई है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड प्रोग्राम है देश का, राजनीतिक प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। और इस तरह के राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, उसको राजकीय प्रोग्राम बनाइए, उसको राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाइए, कुछ गलत नहीं है। अगर आप यही नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बिना किसी आदमी के नाम लगाए आप ढंग से चलाए, उसके बाद बोले महात्मा गांधी की इससे प्रेरित है, तो मानूंगा मैं,
लेकिन महात्मा गांधी का नाम लगा के उल्टे सीधे काम करना इसमें और उसमें सारे सारे फ्रॉडगिरी करना और एक्चुअली गरीब आदमी को और गरीब बनाना, इससे क्या देश से छल हो सकता है? इससे बड़ा छल हो सकता है देश में? ये राजनीतिक छल है, ये इलेक्शन के बाद इसकी बात ही नहीं होगी किसी मीडिया चैनल में अनफॉर्चुनेटली, और जो आज बात कर रहे हैं उस तरह की बात नहीं होगी। आज इसके बारे में बात हो रही है क्या सफलता क्या विफलता है। अब ये हम देखें तो सरकारें इस तरह के स्वरूप को दे रही हैं, असली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रही है। जो देश में आज देश में सड़क बनाने की जो रेट है वो इतनी खराब हो गई है कि आज गाड़ियां सब जगह ब्लॉक हो रही हैं, आज रेलवे की इतनी बुरी हालत है कि हमारे ट्रेन हमारे पूरे भरे पड़े और लोगों को टिकटें इतना होने के बाद भी, इतने ट्रेन निकालने के बाद भी टिकटें नहीं मिल रही क्योंकि कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ रेलवे का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ रेलवे के अंदर। ये छोड़िए मुंबई के अंदर जो सिंपल सा जो सबसे प्रॉफिटेबल रेल जोन है उसमें परिस्थिति खराब से खराब निकल रही है और बेकार हो रही है, लोग गन्ने की तरह चूसे जा रहे हैं उन ट्रेनों में। मतलब मैं भेड़ बकरियों की तरह तो नहीं बोल रहा हूँ, गन्ने की तरह अंदर चूसा जा रहा है। भेड़ बकरियां तो अब कम से कम जानवर थे, अब गन्ने को गन्ने में कितनी जा रहा है पता नहीं, जूस निकाल दिया जाएगा हमारे कंपार्टमेंट में। इसके बारे में कहां सोचा गया? आज 50 साल में क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया 50-60 साल में, तो बिल्कुल विफलता का है का सवाल। बीच में थोड़ा सा एक देना चाहूंगा जब मैं ये पूरी बात कह रहा हूं कि परिस्थिति को थोड़ा पलटने की कोशिश की वाजपेयी साहब ने। वाजपेयी साहब ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिया और उनका ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है आज देश को बचा गया, क्योंकि आज दिल्ली से मुंबई का कॉरिडोर बाकी सब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी उनके कारण हुई, एक आदमी की मुहिम से तैयार हुई, उनकी लीडरशिप विजन, वो उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर का खुद का प्रोग्राम था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ में लिया, उसमें एक इंजीनियर भी मारे गए उस समय, वो क्योंकि इस तरह की प्रोग्रेस जब करने जाएंगे तो जो इसके खिलाफ खड़े हैं वो पहले कोशिश करेंगे कि इसको अप्रूव किया जाए, इसको खराब कर दिया जाए। तो दिस इज द फैक्ट, और ये है देश को सच बताना कि अर्थव्यवस्था। फिर उनकी जो दूसरी ड्रीम थी वो पूर्ण नहीं हुई, वो है हमारे सभी रिवर्स का समीकरण, मतलब उनका रिवर नेटवर्किंग, राष्ट्रीय रिवर नेटवर्किंग, ये एक्चुअली पार्लियामेंट में बहुत पहले उठा था लेकिन प्रधानमंत्री वाजपेयी का ये सेकेंड पेट प्रोग्राम था। अगर उनको दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं मिला, उस एनडीए को वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो शायद हमको ये अपॉर्चुनिटी जो बची पड़ी है ये हम देख रहे हैं, क्योंकि रिवर नेटवर्किंग केवल एक राज्य कर पाया, वो गुजरात, जिसने नर्मदा में इतना तकलीफ होने के बाद भी नर्मदा साबरमती और गुजरात के सभी नदियों का समीकरण और उनसे रोजगार, जिस तरह की अभी गांव के अंदर 11.5% उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो गई क्योंकि पानी सब जगह पहुंचा, नर्मदा का पानी पूरे गुजरात में सब जगह पहुंचा। अब रिमोट कच्छ में पहुंच नहीं रहा है तो उसके लिए कल्पसर की बात करी जा रही है। तो फ्यूचर जो है मैं देख रहा हूं कि मोदी साहब की जो विजन है उसके अंदर ये सारा फ्यूचर जो मिसिंग फ्यूचर है वो सारा अवेलेबल है देश का। बिजली, मैंने अभी आपको बिजली के पहले पानी और सड़क बोला, और बिजली के अंदर देखेंगे तो गुजरात राज्य एकमात्र सरप्लस स्टेट निकला है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी यूटिलिटी DGVCL को सरकार ही 2-3 बार अवार्ड दे रही है, तो हमने तो दिया ही है इनर्शिया फाउंडेशन में, मैं एज ए चेयरमैन मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन केवल गुजरात नहीं। अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी हुई है, आज छत्तीसगढ़ एनर्जी सरप्लस हो चुका है, एकदम 40% नक्सलवादियों से प्रभावित राज्य है, उसके अंदर लीडरशिप आई है और उसमें भी हुआ है। अब वो नीचे की व्यवस्था में देखिए तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम, गुजरात की गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि नरेंद्र मोदी एज ए CM उन्होंने खुद उसकी लीडरशिप ली है, उसके प्रकार का कहीं भी गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम नहीं चला है इस देश में। अब उसको दो और राज्य आगे लेके गए, छत्तीसगढ़ और एक राजस्थान, तो कांग्रेस के कोई भी राज्य या यूपी के कोई राज्य इसको क्यों नहीं ले रहा है? महिलाओं को समान स्तर देने की कोई कोशिश कर रहा है? और ये मैंने अपनी किताब में लिखा था प्रकाश अय्यर जी के साथ, जो हमने किताब लिखी इंडिया ब्रांडिश में, उसमें सवाल उठाया था कि राष्ट्रीय रूप से आप इंडिया ब्रांडिश जो हमारी किताब है उसमें जब मैंने लेख लिखा था 2003-04 में, तब हमने बताया था कि देश को अगर आगे लेके जाना है तो एंड्रोगाइनस ग्रोथ मॉडल, एंड्रोगाइनस का संबंध अर्धनारीश्वर से है कि समान रूप से मौका आदमी और औरत को, मतलब समान लड़के लड़कियों को समान रूप से दोनों क्या बोलते हैं अपने सेक्सेस को, मेल एंड फीमेल को, आपको अर्थव्यवस्था राजनीति एवं इकोनॉमी में इक्वल रोल देना पड़ेगा। और ये जो चेंज हुआ ये हमारे घरों से भी चालू होना पड़ेगा, जहां हमको लड़की को इक्वल स्थान देना है जितना लड़कों को देना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब बड़े बड़े मुद्दे टैकल करने हैं, ये टैकल हिंदू मुसलमान और इनके सिख ईसाई को अलग अलग करके लड़ाना या अंग्रेजों ने जो किया उसको और बुरी तरह से जो हमारे ये लोग कर रहे हैं, इसको
ये बहुत ही मतलब विफलता की ओर चलने वाली बात है। इसलिए सेक्युलरिज्म जो असली मुद्दे में सेक्युलरिज्म है आज में, मैं फुल ही सेक्युलरिस्ट हूँ, लेकिन असर्टिव सेक्युलरिस्ट हूँ। मैं ये स्यूडो सेक्युलरिस्ट और नियो सेक्युलरिस्ट के खिलाफ हूँ जो सेक्युलरिज्म के नाम पे लोग बांटना चाहते हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो जब मनमोहन सिंह जी आए थे, शुरुआत करी थी यूपीए वन में, उस समय जब 2004 के दरमियान जब इनकी सरकार आई पहली मरतबा, तो पहली मरतबा जब आई तो ऐसा लगा कि इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर वो आए हैं, और जो देश ने एक सोच से उनको वोट दिया उसमें यही समझ के दिया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट थे वो अब डेवलपमेंट को आगे ले जाएंगे। ये वाजपेयी सरकार के खिलाफ एक ये मूड नहीं था, ये मूड कुछ और रूप से खिलाफ था। ये मूड था कि जितना लोगों का एक्सपेक्टेशन था ग्रोथ का वो नहीं हुआ था, उनसे उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह जी इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे, उतरे भी कुछ तरीके से, लेकिन जैसे जैसे उनकी सरकार आखिरी मुद्दे में पहुंची तो उस समय उनकी जो क्या पॉपुलैरिटी एकदम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने जितने वाजपेयी साहब ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के जो ये प्रोजेक्ट निकाले थे एनडीए के अंदर वो सारे रोके हुए थे, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बुरे हालत ऑलरेडी चालू हो गई, लेकिन फिर भी लोगों ने दूसरा मौका दिया ये सोच के कि ये आदमी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो सामने वाली उस टाइम अपोजिशन थी उसमें कोई लीडरशिप नहीं मर चुकी थी, लीडरशिप ठीक से नहीं थी, और कुछ मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो एनडीए थी उसने कोई देश को दूसरा विकल्प नहीं दिया। फिर न्यूक्लियर डील आया, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, जिसका पूरा का पूरा पार्लियामेंट में फायदा मनमोहन सिंह को मिला, क्योंकि जॉर्ज बुश ने उनको पूरा सपोर्ट किया, और ये सारे मुद्दे सामने खड़े हुए कि भारत के अचानक विश्व छवि ऐसा लगा टेम्परली ऊपर आ गई, क्योंकि जॉर्ज बुश एक हिसाब से जॉर्ज बुश पूर्ण रूप से इंडिया के खिलाफ नहीं इंडिया के फेवर में खड़े हुए, और सारा अमेरिकन जो कांग्रेसमैन थे सारे हमारे खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने मूड बनाया, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया, और वो जॉर्ज बुश के एकमात्र उस एक्शन से भारत के ऊपर एक ऐसा लगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बड़ी है, नहीं थी अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ चुकी थी, क्योंकि जॉर्ज बुश वही पर्सन थे जो हार्वर्ड से पढ़े हुए प्रधान इनके जो प्रेसिडेंट बने, और इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट होते टाइम पे अपने दूसरे मरतबा जब सेकंड टाइम वो बने उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर मुसीबत क्रिएट करी, उन्होंने तो एक तरह से पूरी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस कर दी, उन्होंने सब जगह मतलब एक तरह से लोगों के बीच में झड़पें ज्यादा हो गई, सारा अरब वर्ल्ड खिलाफ हो गया, तो उनकी तो छवि इतनी खराब थी उस समय कि, लेकिन केवल वो इंडिया को सपोर्ट किया इसलिए इंडिया ने इस तरह का प्रकार सोचा कि हाँ अमेरिका हमको सपोर्ट कर रही है, तो ये एक तरह से बताऊं धोखा ही था, एक तरह से आंखों के लिए धोखा था, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर डील हुआ उसके बाद हमको कुछ मिला ही नहीं है, उसके ना तो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट आए उनके पांच साल में, कंप्लीट विफल हो गए, वो 70 गीगावाट करना चाहते थे, 70 का 7 गीगावाट नहीं कर पाए, और जो भी उनका हुआ वो अंदरूनी जो कल्पाकम का रिएक्टर हमारा खुद का बना वही हुआ। तो एक तरह से राजनीतिक प्रेशर और मुद्दा और ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का प्रेशर और ये वो, और ऐसा लगा कि न्यूक्लियर से सोल्यूशन निकाला जाएगा, न्यूक्लियर सोल्यूशन निकाल पाए, जबकि होना वही चाहिए था कि न्यूक्लियर से सोल्यूशन आता, लेकिन वो हमारे जो मनमोहन सिंह थे वो बड़े वीक आदमी हैं, वो कैसे न्यूक्लियर क्लब से लड़ पाते, न्यूक्लियर क्लब तो बहुत शक्तिशाली क्लब है, जब तक इसके अंदर आपके साथ आप रशिया के साथ खड़े थे, लेकिन खड़े भी थे नहीं भी थे तो रशिया को कितना दूर किया मनमोहन सिंह जी ने, हथियार के रूप में हथियार लेना उनसे कम कर दिया, अब उनके डिफेंस मिनिस्टर इतने वीक है कि हमारे यहाँ हथियार प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है वो रुकी पड़ी है, आर्मी और नेवी को जो जो चाहिए वो नहीं है, सबमरीन्स में आग लग रही है, तो इतने घटिया रूप की राजनीति, इतनी घटिया लीडरशिप, मतलब वो अमेरिका सपोर्ट करे चाहे कोई सपोर्ट, अगर लीडर ही इतना वीक हो, लीडरशिप इतनी वीक हो तो देश वीकनेस की तरफ जाएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा कि देश के साथ पूरा धोखा किया राउंड वन में, और राउंड टू में कंप्लीट रूप से करप्शन, तो इतनी भयंकर करप्शन, मेरे ख्याल से हमारे जो भारत देश के इतिहास के अंदर सबसे करप्ट गवर्नमेंट यूपीए 2 मनमोहन सिंह की मानी जाएगी, सबसे करप्ट, मतलब इससे घटिया और करप्ट गवर्नमेंट कभी पैदा ही नहीं हुई, और अगर इसको कोई वापस लाने की कोशिश कर रहा है तो देश के अंदर कैंसर पूर्ण रूप से फैलने की बात कर रहा है। इस सरकार को तो कभी आना ही नहीं चाहिए, इनको तो अपोजिशन में बिठा के इनको सिखाना पड़ेगा कि तुम राजनेता बन के ऊपर बैठ के कुर्सी गर्म नहीं कर सकते, पूरी पूर्ण रूप से देश के साथ छल कपट और बोलते ना आपको धोखा किया गया है, संपूर्ण रूप से धोखा किया है मनमोहन सिंह की सरकार ने, संपूर्ण रूप से धोखा है ये, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा, ये केवल मनमोहन सिंह को ब्लेम जाएगा, चाहे बोले नहीं सोनिया ऊपर से कर रही है ये कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आप चाहते तो आप इस देश को सही रास्ते पर ले जाते,
आपने जो फाइनेंस मिनिस्टर बनके काम किया वो काम आपने कभी नहीं किया, इसलिए ये सारी जिम्मेदारी आप पे जाती है, किसी पे नहीं जाती है। जो कुर्सी पे बैठा है उसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये काफी सारे आईएएस ऑफिसर मुझे बोलते रहते हैं, सर हमारी मजबूरी है। मजबूरी तो मत आइए, मजबूरी वाले लोग क्यों आते हैं देश को राष्ट्र को सर्व करने के लिए? जो राष्ट्र आप आईएएस बनना चाहते हैं आप ताकत के लिए आते हैं, पावर के लिए आइए। नेता को ना बोलिए जब बोलना है, फाइल वापस भेज दीजिए, साइन मत करिए। क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा आपका। स्वार्थी हो गए हैं आप लोग, पावर लेके स्वार्थी मत होइए। जब ना बोलना है तो ना बोलिए, किसी चीज पे साइन नहीं करना है तो मत करिए। नेताओं को तुम्हारे पर रूल करने मत दीजिए, नेता तुम्हारे साथ सही ढंग से चलेगा और तुम कानून के रूप से उनको चलना सिखाइए। नेता तुम्हारे को जबरदस्ती नहीं चलने को बोल सकता, आप खुद आप उसके अंदर, उस भंवर के अंदर लपेटे नहीं जा रहे हो, कूद रहे हो भंवर के अंदर। इस केस में भंवर आपके पास आई भी नहीं है, वो भंवर बना रहे हैं कहीं और आप उस समुद्र में जहां वो भंवर नहीं है, और आप जबरदस्ती अपनी नाव उस भंवर की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? आप अपना स्वार्थ, अपना पर्सनल फायदा का देख रहे हैं। यही चीज मनमोहन सिंह ने प्रूव किया कि अपना पर्सनल स्वार्थ, पर्सनल ये जितना बोलते रहे, ये सारा का सारा उनको अपने रूप से, उनको राजनीतिक पिट्ठू के रूप में कोई इस्तेमाल कर रहा है ये नहीं है, उनको जरूर राजनीतिक लाभ हुआ है, उनको जरूर इसमें अलग टाइप पैसे का लाभ की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, राजनीतिक लाभ। अपनी छवि बिगड़नी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी छवि बिगड़ी है, दूसरों की नहीं बिगड़ी है। तो इसलिए आप भारत के इतिहास के अंदर सबसे सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपका नाम लिया जाएगा, और मैं तो जरूर अपनी जिंदगी और मौत में आपको सबसे बेकार प्राइम मिनिस्टर मानूंगा, जो देश के लिए काम नहीं किया, जिसने देश के खिलाफ ही सारा काम किया प्रधानमंत्री बनके, और देश का कंप्लीट नुकसान हुआ इन 5 सालों में, और इतना नुकसान हुआ कि हम कम से कम 15 साल पीछे चले गए। हम आपसे जानना चाहेंगे हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि के बारे में, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय छवि है इस वक्त, हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि ऐसे देश की है कि भाई इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट कल्चर, इंडिया इज ग्रेट डाइवर्सिटी, ये सारी बातें बोली जाती है। लेकिन जहां देखिए, अब जहां भी इंडियन कहीं उतरते हैं उनके, अब ऑस्ट्रेलिया से ऐसा आता है कि इंडियन लोगों को मारा गया है, ब्रिटेन से आता है कि किसी बूढ़े आदमी को सड़क में पीट दिया गया, और वो भी मैंने देखा कि ऐसी एक वीडियो चल रही थी कि एक बूढ़े आदमी को लंदन में एक औरत ने मारा, यू नो, वाइट औरत ने। तो हमारे खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जो जिस तरह के जुर्म हो रहे हैं, भारत के वासियों के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय जुर्म, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हमको सब समझ रहे हैं हमारे साथ कुछ भी करके निकल जाए, इस तरह की सिस्टम उभर रहा है। रेशियल रूप में भी हमको पीछे धकेला जा रहा है, और हमारी लीडरशिप की बात होती है तो हमारे ये जो लीडर है, जिस तरह की गंदी, ये लीडर की जो लिदरों वाली बात कर रहे हैं, ये लिद है, लिद होती है घोड़े की लिद, उस तरह की लिदरगिरी कर रहे हैं, लीडरगिरी नहीं। इससे हमारी छवि बहुत खराब हो रही है, और जब हम बाहर जाएंगे दूसरे देशों में तो हमारे साथ उसी प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। अभी मैं बिल्कुल, आप लोगों को पता होगा, मैं भूटान जाके आया हूँ। भूटान इतना अच्छा दोस्त है भारत का, और एकमात्र दोस्त पूरे सार्क के अंदर, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसमें भारत और भूटान और इनके जो क्या बोलते हैं हाइड्रो पावर का जो संबंध है, जिसमें हमने पूरा हाइड्रो डेवलप किया, इसी के ऊपर बड़ी थिन थ्रेड बोलते हैं उसको, बड़ी छोटी पतली पतला सा धागा है, इस पे जुटा हुआ है सार्क का पूरा वजूद। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कुछ नहीं रिलेशन, नेपाल से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं, मालदीव सब हमको दांत दिखा रहा है, श्रीलंका राजापक्ष इतना गलत काम करके हम उसको कभी सपोर्ट करते कभी पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस आदमी को। तो और वैसे भी अगर उसको ना सपोर्ट करके हम दिखाए इनको, अगर हमारे रास्ते पे नहीं आए तो ठीक है, और चाइना के साथ जा रहे हैं, ये सब चीन को बुला रहे हैं वहाँ श्रीलंका में, तो ऐसे लोगों के साथ हमें कभी भी नहीं रखने वो सोचना है। और हम अगर इंडिया एक बार गरजे तो ये अपने आप संबंध रखना चालू करेंगे। अब हमने इन सबको डायनासोर बना दिया है, जबकि ये 2 रुपए की राजापक्षा की सरकार की 2 कौड़ी का औकात नहीं है। सबसे करप्ट आदमी है वो आदमी उसने मानवता के खिलाफ एक काम किया, उसने इतने तमिल लोगों को मारा है कि उसके खिलाफ होना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए, ना लेकर इस तरह के जो है ये बातें आएंगी, चाहे कोई भी सरकार आए, अब चाहे मोदी जी की सरकार आए, ये बातें फिर आएंगी, ये राजनीतिक बातें फिर उभरेंगी। और दूसरा भूटान के केस में क्या है कि भूटान में हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब गोरे उनको लूटने आ रहे हैं, उनको पॉइजन कर रहे हैं, और चीन भी इसमें इन्वॉल्व है। चीन ने नेपाल के अंदर बहुत बड़ा कांड किया, नेपाल के जो पहले के नेपाल के नरेश का जो हत्या हुई फैमिली के अंदर, उसमें चीन का हाथ है, और आज माओइस्ट उधर कंट्रोल में है। तो ये बातें हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें ये सब चीजें 100% इसको टैकल करना पड़ेगा, और इसको हम राजनीतिक रूप देंगे तो ही काम होगा। हम राजनीति से भाग नहीं सकते,
हमें ये डिप्लोमेसी अपनी जगह करनी है और नॉन डिप्लोमेटिक जो एक्ट करना है। जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा, भैया तुम बंद करो नहीं तो भारत देश तुम्हारे खिलाफ आ जाएगा। इस वक्त मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अलेक्जेंडर पुतिन जो है रशिया के, तो पूरी पूरी विश्व की शक्तियां उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत क्यों इस विषय पे बोल नहीं रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि पुतिन ने क्या गलत किया है। पुतिन ने केवल वो साइड में जो क्रीमिया है, जो 1954 में इसकी हिस्ट्री है, क्रुश्चेव एकदम वीक प्रकार के राष्ट्रपति थे वहां के, उन्होंने उठा के इसको यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन में डाल दिया, और वो भी पूरी प्लान थी अमेरिका की कि पूरा रशिया यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक को बांट दिया जाए। फिर आए हमारे गोर्बाचोव साहब जो अच्छे आदमी थे, लेकिन वो सकम नहीं हुए, उन्होंने पेरेस्ट्रॉय का ग्लास नॉट देखे, सेपरेट मतलब यूएसएसआर का बोलते हैं जो विलेन वो सेपरेशन हुआ, उसमें अलग अलग देश बने, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब बना, अलग बना, वो यूक्रेन बगल में रहा पड़ोसी, पर क्रीमिया साथ में रहा। अब जब क्रीमिया के लोगों ने खुद से 98% वोट करके बोला है कि वो रशियन है, बोलते रशियन भाषा है, उनको लग रहा है हमारी कमी है, और इतने सालों बाद अगर किसी को लग रहा है, और वोट उन्होंने अपने अंदर ही रेफरेंडम लेके रशिया में ज्वाइन करने की बात की, इसमें देश भर में लोग उनके खिलाफ सैंक्शन में चले गए और रशिया को अपना वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ा इस चीज को यूनाइटेड नेशन से रोकने के लिए। मैं समझता हूं इस वक्त भारत को बोलना चाहिए अमेरिका गलत है। अगर वो क्रीमिया के लोग अपने मर्जी से रशिया के अंदर जाना चाह रहे हैं, इसमें किसी का कोई हक नहीं था, क्योंकि क्रीमिया की परिस्थिति अलग है। अब यही बात इनको डर लग रहा है कश्मीर में बात होगी, कश्मीर में बिल्कुल बात होगी, और बात क्या होगी, सारे ब्राह्मणों को और सारे कश्मीरी ब्राह्मणों को वापस भेजो, फिर उनसे बात करो। अब हम बात नहीं कर सकते, कश्मीर का मुद्दा टोटली अलग है, क्रीमिया का मुद्दा टोटली अलग है, भारत अगर चुप रहेगा ये दोनों मुद्दे अलग है। कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, जहां तक पाकिस्तान है पाकिस्तान हमारे जगह पे बैठा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा एरिया है, जो 1947 में जिस एरिया का उल्लंघन किया गया, और वो उल्लंघन वाला एरिया अगर ये समझेंगे नहीं तो इसमें फाइनली सॉल्यूशन जबरदस्ती मिलिट्री होना पड़ेगा, इंडिया विल हैव टू फाइंड, क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा भैया तुम अगर रोज रोज हमारे देश के साथ तुम खिलाफ काम करोगे तो तुम्हारे वजूद का सवाल उठ जाएगा। ये एक तगड़े लीडर के मुंह से ही निकलेगा, ये किसी वीक लीडरशिप के मुंह से नहीं निकलेगा, और इसमें अमेरिका और उनका कोई हाथ नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग करने की सोची, क्या उन्होंने अमेरिका से फोन करके पूछा मैं क्या करूं, बांग्लादेश अलग हुआ ना, तो उसी तरह से अगर कश्मीर को लेना है तो लेना पड़ेगा। और ये कश्मीर का सवाल को क्रीमिया से मिलाना, क्रीमिया के सवाल को, ये सब अलग अलग सवाल है। क्रीमिया के लोग रशियन ओरिजिन के लोग हैं, इट इज नॉट इक्वल टू कश्मीर। सो हमारे ये जो वीक लीडर्स हैं, ये जब ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं और भानुमति का कुंबा जोड़ते हैं तो फंस जाते हैं। ये भानुमति के कुंबे नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों अलग है। कश्मीर का मुद्दा टोटली अलग है, कश्मीर इज इंडिपेंडेंट मुद्दा ऑफ इंडिया। अगर भारत देश चाहे कल एक सॉर्टी करे पूरे रात रात में और वहां के सारे जो आतंकवादियों के कैंप है उसको उड़ा दे, तो विश्व का कोई शक्ति नहीं है जो बीच में आके बोलेगा कि भारत ने एग्रेशन किया या भारत ने अपनी ताकत दिखाई। भारत ने ताकत तो दिखाई लेकिन एग्रेशन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तान का जबरदस्ती हत्या हुआ कश्मीर है जिसपे हम गए हैं, और वो हमारा ही इलाका है, आज तक अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अंदर वो हमारा ही इलाका है। और अगर हमने अपने इलाके में जहाज उड़ाए और इन कैंपों को तोड़े तो हमने अपने इलाके में कार्रवाई करी, पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं करी, पाकिस्तान कोई हक नहीं उसमें बोलने का। आज तक किसी कांग्रेस या यूपीए के गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टैंड क्यों नहीं लिया, मुझे बताइए। अगर वो नेशनलिस्ट हैं तो ये स्टैंड ले, किसी को नहीं सुने वहां। हो बिल्कुल हो सकता है, ये तो केवल समझिए, अभी आज हमारा आज हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से आज 6 तारीख अप्रैल है जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं, अब ये अप्रैल के आखिरी तक मोर और लेस मामला सुलझ जाएगा। ऐसा समझिए 16 मई तक, मतलब ये जो एक महीना है इसमें देश की जो जिसका फ्यूचर है, देश का भविष्य सामने आ जाएगा, और मुझे लगता है कि एक बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है, जोरदार सरकार आने वाली है, और मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर मोदी साहब को मेजोरिटी मिल जाए। देखिए फिर स्टेप दूसरा है, ये तो एक परिस्थिति है कि मोदी सरकार आ गई, ठीक है, अब की बार मोदी सरकार बोली जो आ गई वो, आने के बाद चैलेंज चालू होगा उनका, शुरुआत अब नहीं है, ये तो बैठना तो आसान है, उसके बाद असली चैलेंज है। सारा चैलेंज सरकार बनने के बाद है, जो भी सरकार की बैठेगी, जिस प्रकार की बैठेगी, जिस स्वरूप की बैठेगी, फिर उसके लिए वही चैलेंज है। और वो जो चैलेंज है कि अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो बिगड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वरूप बिगड़ा हुआ है, बिजली का मामला बिगड़ा हुआ है,
सभी बिगड़े हुए मामलों को बड़े गंभीर रूप से दो साल के सॉल्यूशन में निकालना पड़ेगा। और मैंने ये सन 2012 में अक्टूबर में उस समय के प्रधानमंत्री यही हमारे मनमोहन सिंह, इनको मैंने पूरा का पूरा मुद्दा हूबहू मैंने रखा था। बिजली के मामले तो मैंने पूरा दिया था और वही हम देंगे, मोदी साहब को भी प्रेजेंट करेंगे, जो भी सरकार आएगी उसको प्रेजेंट करेंगे। अगर वो सरकारों ने हमारी बात सुनी तो देश आगे जाएगा, अगर उन सरकारों ने हमारी बातें नहीं सुनी तो फिर देश आज से आगे जाने की जगह पीछे आएगा। लेकिन मेरा पूरा होप है कि सुनेंगे हमारी बातों को, जो हमारी बातें हमारी पर्सनल नहीं है, जनता की बातें, देश के मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर अगर वो आगे जाएंगे, अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से समान रूप से देंगे, जो डेवलपमेंट गुजरात में किया उसी तरह प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे, सबको समान मौका देंगे, जात धर्म का भेद नहीं करेंगे, एक इंडियन बनाएंगे आइडेंटिटी, तो मैं जरूर कहता हूं कि जो जो बोला गया है उसको करना पड़ेगा, वो करेंगे। देखिए बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने के बाद करना भी पड़ेगा और वो करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाएंगे, कर्मवादी बनेंगे तो देश बहुत आगे निकलेगा, सुपर पावर बनेगा। क्या युवा पीढ़ी का इस चुनाव में अहम योगदान रहेगा सर? युवा पीढ़ी का इस चुनाव में बहुत ही अहम योगदान, मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 40% की जो हमारी जनसंख्या है वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप मतलब 32-35 के नीचे है, ठीक है, 32 और 35 साल के नीचे 40% का देश है, मतलब इतना बड़ा युवा, इसको बोलते हैं ना पूरा युवा समूह, मतलब टीनेज से लेके जो जहाँ तक 17-18 साल, जहाँ से आपको 18 साल में आपको वोट करने दिया जाता है वहाँ से लेके 35 तक के आप देखेंगे तो बहुत बड़ी जनसंख्या उसके अंदर है। इतनी बड़ी जनसंख्या हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी फ्यूचर है, जिसकी एस्पिरेशंस हैं, जो आगे जाना चाहती है, जो राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान करना चाहती है, जिसको आप चाहिए कि उसका भी वजूद दिखे कि हम भी कौन है, उसकी एक्सप्रेशन आएगी, तो इस समय मेरे को नहीं लगता कोई भी देश इस अच्छी परिस्थिति में, जिस अच्छी परिस्थिति में भारत देश है। इनफैक्ट अगर इसको मैं बढ़ाऊँ कि जो समझते नहीं है, बच्चे से 18 साल तक भी ऐड करूँ तो ये नंबर बहुत बढ़ जाएगा, ये नंबर तो पहुँच जाएगा सीधा 55% 60% के करीब। तो मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 18 साल से 35 साल के जो है वो 40% है, तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या, हमारी बड़ी युवा शक्तिशाली, और वही दिख रहा है आपको, आपके क्रिकेट मैच जीत रहे हैं तो धोनी की टीम अगर अच्छी दिख रही है तो वही दिख, ठीक है, आपके फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम हो रहा है तो यही लोगों से काम हो रहा है, ठीक है, आपके कुछ जहां भी कुछ अच्छाई अच्छी चीजें उभर रही है यही युवा पीढ़ी जो है वो आगे आके काम कर रही है, पर उनको जहां नेतृत्व मिलता है वहां वो सक्सेसफुल हो जाती है। जैसे ओलंपिक में अब हम अच्छे होने लगा, हरियाणा का एक राज्य ही हमको इतने सारे गोल्ड मेडल दे चुका है, तो अगर हम देखें अब प्लेयर आए हैं, सानिया मिर्जा आई है, उसके बाद साइना नेहवाल आई बैडमिंटन में, तो उसके अलावा मेल्स में भी हमने देखा, वुमेन का तो राइज हुआ ही हुआ, मेल्स में भी हमने देखा कश्यप है बैडमिंटन प्लेयर बड़ा अच्छा कर रहे हैं काम, उसके पी वी सिंधु आई। देखिए पर्टिकुलर खेल में जहां जहां नेतृत्व, मैं स्पोर्ट्स का इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी एक जमाने स्पोर्ट्स में था, तो स्पोर्ट्स एक एग्जाम्पल है, जहां पर नेतृत्व आया वहां पर खिलाड़ी आए, वह खिलाड़ी आए जो जो खिलाड़ी बने, नेतृत्व हुआ, खिलाड़ी आए, माहौल हुआ, आगे आपको देश की लीडरशिप मिली, जो तो इसलिए इसमें सबसे अग्रसर क्रिकेट है, चाहे हम अब हॉकी में भी आना चाहिए हमको, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, आना चाहिए। तो ये खेल के अंदर एक मैसेज है कि जो राजनेता नहीं कर पाया वो खेल कर पाया, लीडरशिप दे पाया, ठीक है, लीडरशिप आया तो रिजल्ट आया, तो अगर राजनेता में भी लीडरशिप दीजिए रिजल्ट आएगा। मैं बोलता हूँ इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन में आज हमारी लीडरशिप है, अब मैं भूटान की बात कह रहा हूँ तो वहां पर हमारा एक इंडियन लीडरशिप मिली है आरएन खजांची के रूप में, जिनको मैं मिल के आया हूँ अभी, जिन्होंने सारे बांध के बेस्ट इंजीनियर है, इनफैक्ट राष्ट्र का बेस्ट इंजीनियर, जो भूटान की दोस्ती हमारी खड़ी है तो इनके कारण खड़ी है, खजांची जी के कारण। तो इसी तरह से भारत में इससे पहले हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में और पन ऊर्जा डेवलपमेंट में योगेंद्र प्रसाद थे, उनकी लीडरशिप थी, तो ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी लीडरशिप मानी जाएगी, इस तरह की लीडरशिप को तगड़ा लीडरशिप माना जाएगा। बहुत पहले एक मंत्री हुआ करते पीआर कुमार मंगलम, वो ऐसे मंत्री आए जो देश में ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने पहली एक तरह से लीडरशिप, ऊर्जा को कुछ समझते नहीं थे लोग समझते कॉमर्स मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए, ऊर्जा मंत्री बनना ही नहीं है, लेकिन ऊर्जा मंत्री बनने वाला सबसे जबरदस्त आदमी होगा, देश की पूरी राजनीति को पलटने वाला और उसको सक्सेसफुल करने वाला ऊर्जा मंत्री होना चाहिए। फिर हमने सुशील कुमार शिंदे जैसा ऊर्जा मंत्री दिया जो देश को बर्बाद करके चले गए और अब होम में बैठे, वहां भी वही काम कर रहे हैं, गलत काम।
इनको तो जिस दिन गवर्नर बने थे आंध्र प्रदेश के, उसके बाद उनको मंत्री नहीं बनना चाहिए था, पद नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने उसका पूरा संपूर्ण रूप से उन पदों का, उनकी जो एक तरह से उनका जो इम्पोर्टेंस था उसको खत्म कर दिया। तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए। मैं केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी नेता, तो अगर मोदी आएंगे तो उनकी टीम भी आएगी। वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की टीम देते हैं हमको। हमको क्या बिजली क्षेत्र में फिर से कोई घटिया नेता मिलेगा जो कुछ नहीं करेगा, या हमें कोई ऐसे कुछ नेता मिलेंगे जो बिजली क्षेत्र में परिवर्तन लाएंगे? क्या वो नेता के अंदर अगर शक्ति नहीं होगी, क्या वो एडवाइजर लेंगे हम बाहर से, उन एडवाइजर्स को रखे उनको पुश करेंगे? क्या वो बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें बुला के पूछेंगे क्या होना चाहिए ऊर्जा में? क्या वो हमारे जैसे लोगों से बात करेंगे ऊर्जा के अंदर और अर्थव्यवस्था के अंदर, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? जो आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स हैं, जो हमेशा आपके यस मैन नहीं होंगे, हम आपके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम जो गलत होगा गलत बोलेंगे, जो सही होगा सही बोलेंगे। क्या ये चीज मोदी सरकार कर पाएगी, या जो भी सरकार आएगी कर पाएगी? मैं तो बोलता हूँ मोदी सरकार आएगी। अगर वो मोदी सरकार आती है, उसकी सबसे पहली विडंबना और सबसे पहला उसको उसका जो ताकत उसका तब बनेगा जब वो मार्केट के फोर्सेस और आम नागरिक के फोर्सेस को सुनना शुरू करेगी। सरकारों का की विफलता तब होती है जब वो सुनती नहीं है। जनता भेज तो देती है उनको, लेकिन वो सुनती नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, केजरीवाल को बोला तुम कुर्सी में बैठो, 49 डेज कुर्सी में बैठे नहीं, फिर वापस सड़क पे आ गए। तो पब्लिक वापस ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो एक तरह से क्या बोलते हैं, एनार्की फैला रहा है, अराजकता फैला रहा है वो, यू नो इट इज एनार्की दैट इज डूइंग। सो ऐसे लीडरशिप नहीं चाहिए हमें, बहुत गंदी लीडरशिप है। केजरीवाल जैसे को वोट देना मतलब देश के खिलाफ काम करना। तो जो देश की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं उनका, तो मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत बड़ा ये एक मौका है। और मैं चाहूंगा कि इस शो में आप लोगों ने सवाल पूछे, देश और मेरे जो जवाब है देश सुनेगा। और हमारे बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हमने जितना इसमें समय लिया, छोटा क्रिस बताया कि देश को इस समय जाके सच्ची राजनीतिक रूप से वोट करना चाहिए, देश के लिए वोट करना चाहिए, एक भारत के लिए वोट करना चाहिए। और मैं मेरी नज़र में ऐसा है कि वो एक भारत इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी दे रहे हैं, बाकी कोई लोग नहीं दे रहे हैं, और उनकी बीजेपी दे रही है, और बीजेपी लेड एनडीए दे रही है, अभी कई लोग शामिल हुए उस एनडीए में। तो इस वक्त मौका देना बड़ा जरूरी है, चाहे ये इंटरव्यू को किसी प्रकार से देखा जाए, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी देश जो चाहता है वो करे। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक मूड है पूरे देश में कि वो किसी ऐसे नेता को देना चाहता है जो नेतृत्व करे, जो गलत हो सही हो लेकिन नेतृत्व तो दे। यहाँ तो नेतृत्व नहीं है, यहाँ तो अब अपोजिशन जो है वो अपने नेता बताने रही है। ऐसा हुआ कि दुकान में गए और बोले भाई क्या खरीद, पता ही क्या खरीद रहे हैं, जो भी फल कम सड़ा होगा वो खरीद लेंगे, ये वाली कहानी चल रही है जो बाकी पार्टियों की चल रही है। बीजेपी और एनडीए ने कैंडिडेट चुना और बोला ये प्रधानमंत्री है, ये है हमारे नरेंद्र मोदी। तो एकमात्र जगह आप जब जा रहे, मतलब अगर आप खरीदार या कंज्यूमर या कुछ भी समझे, आप वोटर समझे अपने आप को, अगर वोटर समझे, वोटर को केवल साफ रूप से एक ही पार्टी ने नेता दिया, एक ही गठबंधन ने नेता दिया एनडीए ने, तो नेता एक ही खड़ा है इस वक्त। तो अगर सच्चाई में देखा जाए, बाकी सब हमको कुछ बता नहीं रहे हैं क्या देने वाले हैं, उस पुड़िया में क्या है किसी को पता नहीं है, और जो खिचड़ी पक रही है किसको पता नहीं है। तो ये जो पता पक रही है पता नहीं है, अगर उसमें हम एक्साइटमेंट के रूप से जाएं तो हम देश को डुबा देंगे। इस वक्त डेफिनेट कॉज है, डेफिनेट डिसीजन है, पक्का डिसीजन है, वो लेना है। तो मेरे ख्याल से मैं तो अपना वोट नरेंद्र मोदी को दूंगा। जय हिंद।